हेलो एवरीवन, यस बच्चे कैसे हैं सब लोग। मैं सोविन सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस चैनल में। और मैं इस समय बात करने वाला हूँ कुछ बच्चों से जो बहुत ही बोलते हैं ना एक सीरियस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और वो प्रॉब्लम है बच्चे कि स्टडी नहीं हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में आप बिल्कुल फ्री बैठे हो तो आपको लग रहा है कि छुट्टी चल रही है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है कि कितनी पढ़ाई हुई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हॉलीडे चल रही है इस समय, बिल्कुल मज़े चल रहे हैं हमारे लाइफ में। बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉकडाउन का पीरियड है वो कहीं ना कहीं जरूर बंद है, कहीं ना कहीं आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्लासेस नहीं जा रहे हो, कोचिंग क्लासेस नहीं जा रहे हो, लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई बंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लेक्चर, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, जिन्होंने अपना स्टडी अभी तक शुरुआत नहीं किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको मैं लेकर आऊँगा इस चैनल के ऊपर अपने केमिस्ट्री के कंटेंट के साथ में। साथ में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि मुझे क्यों स्टडी शुरुआत करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। चलो हम सिचुएशन के लिए, सिचुएशन जो होता है बच्चे उसको लेकर समझते हैं कि इस समय चल रहा है, अगर आप देखें तो सितंबर चल रहा है कहीं ना कहीं, और सितंबर के आगे जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीन महीने आपको बचे अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे ईयर को खत्म होने के लिए, और उसके बाद आ जाएगा आपका 2021। अब 2021 जो बच्चे एक ऐसा ईयर होने वाला है जो बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं खुशियाँ भी दे सकता है, कहीं ना कहीं दुख भी दे सकता है। क्योंकि 2021 में अगर अनाउंसमेंट हो गई कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं मार्च के बाद थोड़ा अप्रैल मई में हो जाएगा, तो आपके लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। और अगर अनाउंसमेंट हो जाता है कि बच्चे आपका जो एकेडमिक ईयर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है, मतलब जनवरी टू दिसंबर हो जा रहा है, तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके लेना होगी। क्योंकि बच्चे आपके पास टोटल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर आप देखेंगे तो टोटल सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट होते हैं चार, जिसमें आपको बहुत हार्डवर्क करना होता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप जाएंगे, ऑन एन एवरेज चाहे आप इलेवंथ के बच्चे हो चाहे आप ट्वेल्थ के बच्चे हो, अगर ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर में कम से कम, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 15 चैप्टर आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 into 4 will be 60, मतलब कि 60 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और 60 चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी करते हो, सोचो जरा, एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी करते हो तो भी आपको 2 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको स्टडी अच्छी होनी चाहिए बुरी होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जाम के लिए जब आप बैठेंगे तो 2 महीने अगर आपका मैं निकाल दूँ, क्योंकि आप 2 महीने तो सिर्फ चैप्टर एक दिन में ही खत्म करेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप समय के बहुत पहले बहुत अच्छा कर चुके रहेंगे। बच्चे जो सोच रहे हैं कि यार साइंस तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आज का लेक्चर ये है बच्चे कि पहले अपने आप को मोटिवेट करो, आप अंदर से वो आग जलाओ कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। 60 दिन आपके तो बेकार जाने वाले हैं एंड में, क्योंकि वहां पे आप कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं पढ़ सकते। बच्चे पूरा का पूरा पढ़ाई जो इस समय करेंगे वही आपकी पढ़ाई रहेगी, वही आपका रिविजन रहेगा, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर इन सब चीज़ों को आप पहले से मेंटेन नहीं करेंगे तो एंड मोमेंट में आप सक्सेस नहीं गेन कर पाओगे, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। बच्चे तो 60 दिन तो पहले आपने निकाल दिया, चलो 60 दिन अगर मैं निकाल लेता हूँ तो सोचो कि अगर एग्जाम मेरा जून में होता है तो जून में से अगर मैं 60 दिन निकाल लेता हूँ, मतलब कि मई और जून तो पूरा मेरा गया, इनफैक्ट अप्रैल और मई पूरा चला जाएगा, राइट। तो बचा क्या बच्चे, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने 90 दिन में आप 60 चैप्टर पढ़ना है। अभी पहली बार पढ़ेंगे आप तो बहुत मुश्किल होने वाली। चलो अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो एकेडमिक ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर भी होता है, तो भी बच्चे आपके पास टाइम भले ही सफिशिएंट दिख रहा है लेकिन आपको रिवाइज करना होगा, चीज़ें वैसे के वैसे नहीं आएंगी। जब जनवरी टू दिसंबर होगा तो चांसेस भी होंगे कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो पोर्शन निकाल दिए जाएँ और पूरा का पूरा सिलेबस आ जाए आपके सिलेबस में, पूरा का पूरा कंटेंट डाल देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा जो अभी तक आपने छोड़ के रखा होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो एनालिसिस क्या निकल रहा है इस पूरे जो मैं डिस्कशन करूँ, इसका एनालिसिस क्या निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भार होने वाला है, क्योंकि 25% सिलेबस जो रिड्यूस किया बच्चा, अगर उसको मैं निकाल दिया तो एक्स्ट्रा 25% किसके ऊपर आ गया, स्टूडेंट के ऊपर आ गया, राइट। और अगर 20% निकाल देते 25% तो कॉमन सी बात है कि वो जो पोर्शन का जो एग्जाम होगा, जो आप पढ़ रहे हो इस समय, उसका एग्जाम कहीं ना कहीं जल्दी होगा, तभी तो 25% आपके लिए अप्लाई होगा। तो दोनों सिचुएशन में फंसता कौन है, कौन फंस रहा है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट फंस रहा है। तो सबसे जरूरी है कि जो लोग अभी भी सपनों में खोए हुए हैं, भटक रहे हैं, भटकती आत्मा जैसे भटक रहे हैं, बच्चे भटकना बंद करो और नोटबुक टेक्स्ट बुक जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपका स्टडी का सोर्स है, उसे फॉलो करो और पढ़ना शुरू करो। कभी कभी क्या होता है बच्चे कि जब आप शुरुआत ही नहीं करते हो तो दिन निकलते चले जाते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा थॉट है जो मैंने रेगुलर में यूज़ भी करता हूँ, सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर,
कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की जो शुरुआत करते हैं ना आप लोग, सोचते कल करूंगा, तो कल आता ही नहीं है, कल आएगा ही नहीं बच्चे। इसीलिए ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से इन उन सभी बच्चों के लिए जो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, या जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी फुल फॉर्म में पढ़ाई स्टार्ट नहीं है, तो प्लीज 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 जल्दी से अपना नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो भी आपके पास सोर्स है यार, मटेरियल जो भी आपके पास है, उसको निकालो और फटाफट कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते हैं ना सीट बेल्ट बांध लो और हवे मुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर आप बच्चे अपनी पढ़ाई अभी से स्पीड में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगले साल में जो एग्जाम होने वाली है उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बच्चे साइंस में वही बच्चा अच्छा करता है जिसका रिवीजन हो जाता है कम से कम एक एक चैप्टर का तीन तीन चार चार पांच पांच बार, उसी बच्चे को उस पर्टिकुलर चैप्टर में से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज बस हमने चैप्टर पढ़ा है, मुझे पता नहीं कितना आने वाला है, ऐसी सिचुएशन लेकर आप जाते हैं क्लास में एग्जाम लिखने के लिए, आप ऐसी सिचुएशन लेकर जाएंगे कि हमने तो पढ़ाई तो किया लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो है, मुझे कॉन्फिडेंस जीरो है कि मैं कोई आंसर प्रॉपर लिख पाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर जाने का मतलब है पढ़ाई कुछ नहीं हुआ है आपका, तुक्के में आप पेपर लिख रहे हो, तुक्के में पेपर लिख रहे हो बच्चे, तुक्के में पेपर लिख के आप 90 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 85 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 90 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं होने वाला है। इसीलिए जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आग लगा देंगे, फाड़ देंगे बुक को। अरे पढ़ पढ़ के फाड़ देंगे यार, ऐसा नहीं कि आपने फाड़ दिया बुक को, ठीक है, पढ़ पढ़ के फाड़ देंगे। तो मैं इसी के साथ स्टॉप कर रहा हूं, मेरा आज का टारगेट ये था कि अपने अंदर की जो बोलते ना आग उसको जलाओ, मतलब मोटिवेट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।